कि कुछ लोगों ने सरकार के बहकावे में आकर देश की धरोहर पर घटना की है। आपको बता दें कि वह चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार के बहकावे में लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने की घटना हुई। इस घटना की हम निंदा करते हैं। जो लोग लाल किले पर पहुंचे उनको उकसाया गया और सुरक्षा में चूक के कारण इस तरह की घटना हुई। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों ने तय रूट पर शांतिप्रिय ढंग से ही परेड की थी। इसके बाद बीजेपी के लोग किसानों के प्रदर्शन को खत्म करवाने के लिए गए। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत किसानों का धरना खत्म करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब लोग फिर से आंदोलन से जुड़ रहे हैं। अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस में लोकसभा के सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपील करती है कि सदन की कार्यवाही में पीएम नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानून रद्द करने का फैसला लें। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला के इस्तीफे पर उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन वह समझते हैं कि अभय चौटाला को सदन में रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। चंडीगढ़ से संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पिछले पूरे 2 महीने से ज्यादा समय से किसान तीनों बिलों को रद्द करवाने के लिए बॉर्डर पे पड़ा था। कई दौर की बातचीत भी हुई, परंतु नतीजा नहीं निकला। और उन्होंने जब गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर परेड का निर्णय लिया, और ट्रैक्टर परेड के अंदर मैं मान के चलता हूं कि हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रैक्टर परेड थी, सबसे बड़ा शांति प्रिय आंदोलन था, सबसे बड़ा अनुशासित आंदोलन था। परंतु कुछ लोगों ने सरकार के बहकावे में आकर हमारे उस धरोहर को, जिस धरोहर पे झंडा फहराने के लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी, ना जाने कितने हमारे जवानों ने अपनी शहादत देकर लाल किले पे हमारा देश आजाद हुआ झंडा फहराया, उस धरोहर के ऊपर जाकर जो घटना की उसकी निंदा करते। परंतु जिस प्रकार से वहां पर लोग पहुंचे, ये लोगों को पहले से वहां पर उकसाया गया और वहां पर लाया गया। जिस लाल किले की तरफ 26 जनवरी के दिन परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, और उस सिक्योरिटी लैप्स की वजह से लोगों ने वहां पर वो किया, उसकी निंदा करते हैं। परंतु उसके बाद जो सरकार का रवैया है वो ऐसे हो गया कि जैसे सारे के सारे किसान आतंकवादी हैं, सारे के सारे किसानों ने वहां पर हुड़दंग मचाई। अगर 1 लाख ट्रैक्टर में से 100-200 ट्रैक्टर वहां चले गए और बाकी सारे दूसरे रूट पे गए, शांति प्रिय सरकार के द्वारा बताए रूट पे गए, और उसके बाद उनके किसानों के ऊपर जो मुकदमे दायर किए गए, और जिस प्रकार से कोई भगोड़े होते हैं उनके लुकआउट जा रही थी, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और जिस प्रकार से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने आप टोल बैरियर पे जाकर, आपके बॉर्डर पे जाकर लोगों को उकसाने का काम किया, आपस में लड़ाने का काम किया, वही घटना गाजीपुर में हुई। सरकार के आदमी तो जाए, प्रशासन रास्ता खुलवाने के लिए जाए, परंतु ये कौन होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जाने लिए। इसलिए लोगों का गुस्सा और बढ़ा, और आज पूरे हरियाणा प्रदेश से, पंजाब से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, सभी जगहों से रात को ही लोग बॉर्डरों पे दोबारा चले गए। ये एक्शन का रिएक्शन है जो इन्होंने किया, उसकी निंदा करते हैं। ये जो लोग वहां पर खुद गए हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर पे गए हैं, वहां के MLA का क्या काम था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसको क्या अधिकार दे दिया कि किसान को पीटने का, उसको क्या अधिकार है रास्ते खुलवाने का, इनको क्या अधिकार है बीजेपी के टोल बैरियर पे जाके कहते हैं यहाँ से उठो। तो ये इसका रिएक्शन था, और सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। कोई राजा छोटा बड़ा नहीं होता अपनी प्रजा की बात मानने पे, और तुरंत तीनों काले कानून रद्द करके उनको, किसानों को अपने घर भेजना चाहिए। सर, क्या लगता है, लोग जिस तरह से एक चर्चा शुरू हो गई थी इस पूरे कृत्य के बाद कि इसका पतन हो गया, इस आंदोलन का खात्मा जो है वो उसकी शुरुआत हो, क्या लगता है अब बड़े स्तर पर एक बार फिर से आंदोलन उठता हुआ दिखाई दे रहा है? एक साजिश के तहत जो घटना घटी गई, और फिर साजिश के तहत जिस प्रकार से प्रचारित किया गया कि ये तो लोग चले गए हैं, सब उठ गए हैं, और फिर अपने आदमियों को भेजकर वहां पर दंगे करवाने का काम किया, वो साजिश इनकी पर्दाफाश हो गई है। आज देश का किसान और आम जनता भी ये समझ चुकी है कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित था, और सरकार इसको तोड़ना चाहती थी, शांति प्रिय आंदोलन था, और फिर से वही लोग दोबारा रात को ही निकले गए, धुंध में, ठंड में वहीं चले गए लोग। सर, हरियाणा में, हरियाणा की बॉर्डर दिल्ली के तीन तरफ जो है वो लगती है सीधा सीधा, तो उसमें हरियाणा के जो लोग हैं वो लगातार दोबारा जाने शुरू हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी या आप लोग जो है वो क्या इस
वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब किसान चाहते हैं कि राजनीतिक जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कृषि कानूनों का, वो भी खुलकर उनके समर्थन में आए, उनकी इस तरीके की जो है वो एक भावना है। देखो हिंसा की तो हम निंदा करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी ओर से, परंतु कांग्रेस पार्टी शुरू से इन तीनों कानूनों के विरोध में है, सरकार से मांग करती रही है। आज भी राष्ट्रपति भाषण का कांग्रेस के सांसदों ने आज बाइकाट किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन के साथ है, साथ खड़ी थी, साथ खड़ी रहेगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भाजपा और जजपा की सरकार ने पहले उन पर लाठियां बरसाई, पानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस छोड़े, और अब आपस में लोग कैसे लड़े, अपने आदमियों को बैरियर पर भेजा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा प्रदेश के साथ कोई आंदोलन नहीं है, केंद्र की सरकार के खिलाफ आंदोलन है। हरियाणा प्रदेश की सरकार जाति कर रही है, इसकी भी निंदा करूँ। सर पहले जब पंजाब का किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहा था तो हरियाणा में जगह जगह बैरिकेडिंग, रोड खोदा गया और उनके रास्ते रोके गए। अब एक बार फिर से दोबारा जब मूवमेंट बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश सरकार में भी इस तरीके की घटनाक्रम हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जो यूपी का किसान निकल रहा है, कई जगह पुलिस उनको रोक रही है, यूपी में कई जगह नेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आना चाह रहे थे तो उनको रोका जा रहा है। पूरी हरियाणा की सरकार की या फिर यूपी की सरकार की इस घटना को आप कैसे देखते हैं? ये पूरी तरह तानाशाह रवैया है। प्रजातंत्र के अंदर लोगों को अपने अधिकार एजिटेशन करके शांतिप्रिय ढंग से करें। हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ तो कोई आंदोलन नहीं था, हरियाणा प्रदेश के अंदर आंदोलन था, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने खड्डे क्यों खोदे? आज उसी ढंग में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, तो इनको तानाशाह रवैया छोड़ना चाहिए। अहंकार तो रावण और दुर्योधन का भी रहा था, फिर ये तो प्रजातंत्र है, इनको अहंकार छोड़ना चाहिए। दुर्योधन जब भगवान कृष्ण ने 5 गाँव मांगे थे, 5 गाँव नहीं दिए परंतु सारा परिवार ही खत्म हो गया था, तो इसलिए मेरी विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री से अपील है कि उनको आज जैसे ही संसद शुरू हो संसद में घोषणा करनी चाहिए कि हम तीनों बिल वापस लेते हैं और फिर किसान संगठनों से बैठ के बात करके कोई अच्छा विकल्प हो तो उनके बीच में लाना चाहिए। इसी बीच सर एक पूरे देश में एक ऐसा पॉलिटिशियन है अभय सिंह चौटाला जिन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जब जब हरियाणा की विधानसभा का 4 साल का तकरीबन कार्यकाल है, आप कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि आपको उस पार्टी से पुराना नाता रहा है, लेकिन अभय सिंह चौटाला के स्टेप को आप कैसे देखते हैं? देखिए हर पार्टी का अपना निर्णय होता है, उन्होंने अपनी पार्टी के निर्णय के अनुसार वो फैसला लिया है, परंतु मैं तो ये बेहतर समझता कि वो विधानसभा के अंदर इस सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ते, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़के सरकार को गिराने का काम करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.